हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट। और आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बेसिक्स, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, इस सब्जेक्ट के आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, यूसेस वगैरह, इन सब का इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके जैसे कंटेंट्स मैंने बताया आपको कि हम एप्लीकेशंस क्या हैं सीएसओ के, इसको इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और हर एक यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन और दूसरा उसका रिस्पेक्टिव आउटकम, और इन द एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं और कौन सी बुक्स को स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इन द एंड रेफरेंसेस जो यूज किए गए हैं इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं सीएसओ की, बेसिक एप्लीकेशन या बेसिक यूसेज क्या है, या फिर हम इस सब्जेक्ट को क्यों स्टडी करेंगे, इस सब्जेक्ट की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हम कंप्यूटर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी में हम नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हमारा बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, या आपका मूवी प्लेयर हो, तो ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिडर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा कंप्यूटर है वो एक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, यानी कि इसकी हेल्प से हम कई तरीके की प्रोसेस, कई तरीके की एनालिसिस और बड़े ही फास्ट फॉर्मेशन में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारा जो कंप्यूटर्स हैं, ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का सोर्स है। जैसे कि हम आजकल की डेट में नए नए गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन समय कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का यूसेज है। बिना कंप्यूटर्स के हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफस्टाइल या लाइफ स्पैन या कोई क्या आउटकम हो सकता है, चाहे हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हों, चाहे हम वर्चुअल रियलिटी बॉक्स यूज़ करते हों, चाहे हम कोई भी कम्युनिकेशन के लिए गैजेट यूज़ करते हों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, सेटेलाइट फ़ोन्स हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। तो बेसिक एप्लीकेशन हमारे सीएसओ का यही है कि हम उस सिस्टम को, उस कंप्यूटर को किस किस तरीके से, किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, गैजेट के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी सब्जेक्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, हमारा ये जो सब्जेक्ट है हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इस सब्जेक्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन से हमें मालूम है, डेली बेसिस में मोबाइल फ़ोन की नई नई टेक्नोलॉजी, कभी 4 GB 64 GB कन्फिग्रेशन का, कभी उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कभी मीडिया टेक के प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, कभी इंटेल के, तो इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या एनहांसमेंट है, क्या डिफरेंशिएशन है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन वर्क करता है, तो या फिर कोई भी हमारा सिस्टम वर्कआउट कैसे करता है। तो ये चीज़ें हम इसी सब्जेक्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरा, अगर हमें किसी भी तरीके की रिसर्च करनी हो, एनालिसिस करनी हो, स्टडी करना हो, तो बिना सिस्टम के, बिना कंप्यूटर के हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अब अगर मुझे सिंपल सा किसी इंडस्ट्री में किसी चीज़ को ऑपरेट करना है, बॉयलर को या किसी भी गैजेट को ऑपरेट करना है, तो उस कंप्यूटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और अगर मुझे कोई बहुत बड़ा सिम्युलेटर या कोई एप्लीकेशन रन करना है तो उस सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ये हम तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब हम इस सब्जेक्ट के बेसिक्स को पढ़ेंगे। सिमिलर वे में इंजीनियरिंग में मैंने जैसे कहा कि कई डिफरेंट टाइप के सिम्युलेटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो सिस्टम पर ही रन करते हैं। आजकल हर चीज़ सिम्युलेटर की हेल्प से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिजनेस में भी सिस्टम का, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट है, जैसे कि शेयर मार्केट के टर्म्स में
या फिर अगर आप अपने कोई बिजनेस ओपन किया है या इंडस्ट्री ओपन की है, तो आपका उसका सारा डाटाबेस आप कंप्यूटर्स की हेल्प से ही उसको ओवरकम कर पाएंगे। गेमिंग्स में जैसे कि आजकल नई जनरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स को खेलती है, तो हर गेम का एक अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है कि ये गेम को 4 GB रैम ही चाहिए। तो हमें ये डिफरेंस तभी समझ में आ पाएगा जब हम उस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स को समझ पाएंगे। एंटरटेनमेंट में, जैसे एंटरटेनमेंट की अगर बात करते हैं तो सभी लोग अपने लैपटॉप्स पे या स्मार्ट टीवीज पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो मूवीज़ या कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसका, या मूवीज़ के साथ साथ अगर इमेज की भी बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि उसके पिक्सल्स या उसका साइज उसकी क्वालिटी पर प्रेजेंट करता है। तो सिमिलर वे में अगर वीडियो की बात करते हैं तो 720 बाई, और जैसे कि आजकल हाई डेफिनेशन टर्म यूज़ करने लगे हैं या ब्लू रे टर्म यूज़ करने लगे हैं, ये है क्या चीज़? ये डिफ्रेंशिएशन भी हम इसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। अगर मुझे, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया पे अपने इमेजेस या कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो कम्युनिकेट ही तो करते हैं, डाटा आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो डाटा शेयरिंग है वो कंप्रेस होकर जाएगा, एनक्रिप्ट होकर जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी हमें तभी समझ में आ पाएंगी। हेल्थ केयर के केस में जैसे कि आजकल हेल्थ मॉनिटर डिवाइसेस, जैसे भी मैंने टर्म यूज़ किया था स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच आपकी हार्ट बीट को, पल्स रेट को, या ब्लड प्रेशर्स को, या इस तरह की कई सारे गैजेट्स तभी वर्किंग में होंगे जब वो प्रॉपर कोरिलेट कर पाएंगे कंप्यूटर्स को और मेडिकल से रिलेटेड सिस्टम्स को। बैंकिंग में भी इसका बहुत यूज़ होता है। कैसे? कि जैसे आपका अकाउंट सपोज ग्वालियर में है, और लेकिन अभी आप करंटली चेन्नई में या साउथ में कहीं पर, और आपने वहाँ से के एटीएम से कुछ पैसे विदड्रॉ करे, अब आपने तो चेन्नई से विदड्रॉ करे और आपका अकाउंट है ग्वालियर में, और विद इन इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ से, वहाँ यहाँ से आपने पैसे निकाले, आपके अकाउंट में विद इन नैनो सेकेंड्स वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम भी आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ पर वो उनकी कन्फिग्रेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सब चीज़ें किस तरह से कोरिलेट करती हैं, तो वही हम समझेंगे। सुपरमार्केट में वेदर फोरकास्टिंग, ये अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूसेज हैं कि जहाँ पर हमारा कंप्यूटर और उसके सिस्टम ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे यूनिट वाइज हैं कि जैसे कि हम अगर पहले यूनिट की बात करते हैं, ये जो पूरा कोर्स है वो RGP भी एफिलेटेड है, तो हम जो भी सिलेबस कवर करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स हमारे RGPV के अकॉर्डिंग सिलेबस में मेंशनड है। तो जैसे अगर हमने पहली यूनिट की बात की, पहली यूनिट में हम कंप्यूटर्स के बेसिक्स, CPU के बेसिक्स, मेमोरी रजिस्टर्स, काउंटर्स, माइक्रो ऑपरेशन, या रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, इट मीन्स कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर कम्युनिकेट करता है, डिकोडिंग टेक्निक्स, एग्जीक्यूशन या डाटा का मैनिपुलेशन, या इंस्ट्रक्शन का हम ये भी समझ सकते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शन कैसे दूंगा अपने गैजेट को, अपने डिवाइस को, या एड्रेसिंग मोड्स की हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट, ये सारे बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पहले यूनिट में कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो ये होंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, या किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या किस तरह के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ये सब चीज़ हम समझ पाएंगे। अलग अलग कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के क्या होते हैं, उनकी फंक्शनलिंग कैसे होती है, उनके एग्जीक्यूशन, उनके डिकोडिंग, उनके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ये सारे के सारे हमारे पहले यूनिट के आउटकम्स रहेंगे। नेक्स्ट यूनिट पर अगर हम आते हैं तो ये हमारी नेक्स्ट यूनिट बताती है कि हमें कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑपरेशंस, नैनो ऑपरेशंस, या इनसे को रिलेटेड कंट्रोल यूनिट। अच्छा, कंट्रोल यूनिट वो होती है जो हम किसी कंट्रोल डिवाइस की हेल्प से या कंट्रोल कर पाएँ किसी चीज़ को। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को आप कंट्रोल कैसे करते हो? एक्सेलरेट करके, स्टेयरिंग से, गियर बॉक्स से। तो कंट्रोल यूनिट भी यहाँ पर यही बताएगी कि हम CPU को किस तरीके से, क्या क्या चीज़ों की हेल्प से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी हमें
जरूरत पड़ती है उनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो नैनो इंस्ट्रक्शंस हो या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हो या उनकी सीक्वेंसिंग हो या उनकी प्रोग्रामिंग हो, तो ये सारे बेसिक्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमें इस यूनिट में ये भी देखेंगे कि जो हमारा ALU होता है, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वो किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ओवरऑल इस यूनिट के आउटकम्स हमारे ये रहेंगे कि हम जो प्रोसेसर जो डिज़ाइन किया जाता है, देखो जो हमारा मोबाइल हो, कोई सर्वर हो, चाहे कोई पर्सनल यूज का कंप्यूटर हो, वो पूरा का पूरा CPU बेस्ड या प्रोसेसर बेस्ड होता है। तो हम किस तरीके से हमारा इंडेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके का प्रोसेसर होना चाहिए और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वही हम इस यूनिट को स्टडी करके उसके आउटकम्स को समझ पाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इस यूनिट में हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो डाटा किस तरीके से ट्रांसफर करता है, चाहे वो सीरियल ट्रांसफर करे, चाहे डाटा वो पैरेलल ट्रांसफर करे, सिंक्रोनस मोड में करता है या एसिंक्रोनस मोड में, किस तरीके से करता है, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, जैसे आउटकम की अगर मैंने बात की, तो ये आउटकम की भी अगर बात रखते हैं तो डिफरेंट मेथड्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट के होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने अपने लैपटॉप पे पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाते ही वो डिटेक्ट हो गई और हमने उसमें डाटा शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं लैपटॉप की अगर बात करता हूँ, तो लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर उस पेन ड्राइव को एज ए पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट अलग तरीके से कम्युनिकेट करेगा, और उसी पेन ड्राइव को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ OTG केबल या विद द हेल्प ऑफ सम अदर अडेप्टर मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, तो मोबाइल भी मेरा एक सिस्टम है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, उसमें भी प्रोसेसर है, तो वो उस पेरिफेरल को किस तरीके से एक्सेस या रीड या राइट करेगा। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम समझ पाएंगे इस यूनिट की हेल्प से। या फिर उस पेन ड्राइव को मैं या उस एक्सटर्नल डिवाइस को मैं किसी और सर्वर में लगाऊं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट करी, तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। इवन आपको भी पता है कि आजकल USB पोर्ट्स में ब्लू कलर का इंडिकेशन आने लगा है, तो ये ब्लू कलर क्या बताता है कि वो हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होगा, लो स्पीड डाटा ट्रांसफर होगा, या प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये सारे इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या कम्युनिकेशंस हैं, हम इस यूनिट के थ्रू अंडरस्टैंड या समझ पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी, दैट इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि मेमोरी किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, मेमोरी के किस तरह से हायरार्की होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कैश मेमोरी किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, मेमोरी का एग्जीक्यूशन, डाटा का अलॉटमेंट, या वो मेमोरी मेरे हार्डवेयर के साथ किस तरीके से कोरिलेट कर पा रही है। इस यूनिट में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे। इनडायरेक्टली हम इस यूनिट के आउटकम्स की अगर बात करते हैं, तो हम मेमोरी हायरार्की के एक एक एलिमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मेरा सिस्टम, मेरा मोबाइल या मेरी गैजेट उस मेमोरी को एक्सेस करती है, डाटा को फेच करती है, एग्जीक्यूट करती है, प्रोसेस करती है। तो ये सारे सारे आउटकम हमारे इस यूनिट के थ्रू होंगे। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी रहेगी, दैट इज मल्टी प्रोसेसर। इस मल्टी प्रोसेसर में हम ये समझेंगे कि हम कि प्रोसेसर जो हमारा होता है, वो किस तरीके से हम उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या इनडायरेक्टली हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूज़ करके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप समझ सुनते होंगे कि डुअल कोर प्रोसेसर आ गया, क्वाड कोर प्रोसेसर्स आ गए, तो ये है, ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे मल्टी प्रोसेसर्स के अंदर ही होती हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस हम कैसे कैसे प्रोसेस को आपस में इंटर कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस यूनिट का आउटकम हमारा ये रहेगा कि मल्टी प्रोसेसर्स का क्या इम्पोर्टेंस है और किस किस टाइप के मल्टी प्रोसेसर्स, टेक्निक्स, स्ट्रक्चर, तरीके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस उस गैजेट की, उस लैपटॉप की या उस मोबाइल की एनहांस या इंक्रीज हो सकती है। फर्दर ये कुछ बुक्स हैं जो आपको ड्यूरिंग
सिलेबस आपको रिफ़र करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा। पहली है जिसमें से मॉरिस मैनो, कंप्यूटर सिस्टम और आर्किटेक्चर। दूसरी हमारी है विलियम स्टार्लिंग्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अच्छा, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2x2 हो गया है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और थर्ड वन हमारी है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बाय स्वाति सक्सेना। तो हम टाइम टू टाइम इन बुक्स को रेफ़र करेंगे और इन बुक्स को रेफ़र करके अपनी स्टडीज़ को एनहांस करेंगे। जो सिलेबस हमने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ किया है वो RGPV की वेबसाइट से लिया गया है। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि इस सब्जेक्ट का क्या यूसेज है, कि क्या हम यूज़ करके अपने गैजेट्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या फिर अलग अलग मेमोरी सेगमेंटेशन होते हैं हमारे लैपटॉप के टर्म्स में, मोबाइल के टर्म्स में। तो इन सब का जो स्टडी है इस सब्जेक्ट के थ्रू एनहांस होगा। थैंक यू।